नमस्कार जोहार, स्टडी फॉर गोल्स में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग महिला पर्यवेक्षिका के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, खास करके जिन लोगों ने मनोविज्ञान का पत्र का चयन किया है, उनके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो आज की कक्षा में हम पर्टिकुलरली थोड़ा लास्ट के जो यूनिट्स हैं उनसे क्वेश्चंस लिए हैं, क्योंकि हमने जो इससे पहले 5 वीडियोज पर बात की है उसमें पहले के जो मतलब यूनिट्स हैं, खास करके इंटेलिजेंस वगैरह, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी है, मेमोरी है, फॉरगेटिंग है, इन सबों पर बात किया है। तो अब जो लास्ट के अब रह गए हैं कुछ यूनिट जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, है ना, उन पर हम लोग बात आज करेंगे, है ना। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। हाँ, और यदि आप स्टडी फॉर गोल्स पर नए हैं तो आप स्टडी फॉर गोल्स पर जुड़कर झारखंड के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतर कंटेंट अवेल कर सकते हैं, है ना। ये आप लोगों के लिए देखिए क्या है, सफलता का बंडल झारखंड महिला परीक्षिका के लिए, जिसमें आपको मिलेंगे पेपर 1 के लिए 15 फुल मॉक टेस्ट, 100 क्वेश्चंस होंगे। पेपर 2 25 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे। खोरठा, नागपुरी इंग्लिश, ये सब जो भाषा है उसमें ये सब आपको मिल जाएगा। मतलब पूरा जो पैकेज है आपको लेडी सुपरवाइजर के लिए वो सब मिल जाएगा, है ना। तो इसको आप ले सकते हैं। इसके अलावा झारखंड सहायक आचार की परीक्षा के लिए जिन लोगों ने तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कोर्स है सफलता का बंडल, सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए भी, तो लोग भी इनका अवेल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले एक आसान से सवाल से शुरुआत करते हैं। देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजॉर्डर अर्थात ओसीडी, है ना, ओसीडी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो ये भी ध्यान रखना है कि ओसीडी का फुल फॉर्म होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजॉर्डर। एक सेकेंड, पेन थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, है ना। हाँ, तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजॉर्डर इसका फुल फॉर्म होता है। इसका कौन सा इनमें से में सिम्टम है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्टम ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजॉर्डर, तो बताइए इसमें कौन हो सकता है। फ्लैशबैक, क्या होता है फ्लैशबैक, कंपल्सन्स या कंपल्सन है, मैनिक या मैनिया एपिसोड्स ये है, या डिल्यूजन्स है, क्या हो सकता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा कंपल्सन, जो कि इसके डेफिनेशन, इसका जो फुल फॉर्म है उसी में है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजॉर्डर। आप ओसीडी अगर साइकोलॉजी पढ़े हैं और थोड़ी बहुत आपको जानकारी है, तो बहुत सारे जनरली ये वाला डिजीज देखने को मिल जाता है, डिजॉर्डर देखने को मिल जाता है कि आप किसी बिहेवियर, किसी एक्शन के प्रति बहुत इतना कंपल्सिव या ऑब्सेसिव का क्या मतलब होता है, आप वो इतना हावी हो जाता है आप पर, वो वाला आदत, वो वाला एक्शन, कि आप उससे एक तरीके से उसे बंध जाते हैं, ऑब्सेस्ड हो जाते हैं उसके प्रति, है ना। तो कंपल्सन्स है आपके लिए, वो मजबूर कर देता है आपको एक खास तरह का विचार, खास तरह का एक्शन करने के लिए, है ना। तो ये प्रॉब्लम है जब किसी व्यक्ति को ओसीडी होता है। आप देखते होंगे कई बार कि कुछ लोग होते हैं जो बार बार हाथ धोते रहते हैं ना, वो तो उनको लगता है कि हाथ में कुछ रह गया है, तो एक सामान्य कह सकते हैं कि यह लक्षण है ओसीडी का, है ना। किसी भी बिहेवियर या थॉट का बार बार आपके माइंड में स्ट्राइक करना, है ना, किसी एक्शन को बार बार दोहराते रहना, दैट इज द सिम्टम ऑफ ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजॉर्डर, है ना, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला बहुत दूर दिख रहा है, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से ये समझ गए होंगे। अच्छा, इसमें देखिए जो ऑप्शन में क्या है, फ्लैशबैक्स तो जानते होंगे, जब कोई व्यक्ति अपने पास्ट में चला जाता है और अपनी पुरानी यादों स्मरणों को देखने लग जाता है, रिग्रेशन टाइप, तो उसको हम फ्लैशबैक कहते हैं। जैसे बहुत सारे मूवीज को आप देखेंगे कि वो आपको वर्तमान में शुरू होती है मूवी, उसके बाद फ्लैशबैक में चली जाती है ना, कई ऐसी कहानियाँ, कई ऐसे नॉवेल ड्रामाज होती है, ये कंपल्सन्स तो आप ये आंसर ही है। मैनिया या मैनिया क्या होता है, ये हाइपर एक्टिविटी होती है, पागलपन टाइप की जिसको होती है उसको मैनिया कहते हैं साइकोलॉजी के टर्म में, है ना। तो ये हो गया आपका मैनिया। इसके बाद डिल्यूजन्स क्या होते हैं, भ्रम या विभ्रम। अच्छा, हिंदी में दो टर्म होते हैं, ये थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं। चलिए अच्छा, उसके ये अगला वाला स्लाइड में उसको देखते हैं थोड़ा। अच्छा, यहाँ हो जाएगा ना, चलिए यही बता देते हैं। एक होता है इल्यूजन, है ना, इल्यूजन, एक होता है डिल्यूजन, और एक इससे मिलता जुलता टर्म और है हेलुसिनेशन। इन सब शब्दों को आप जानते होंगे मेरे ख्याल से, है
क्या अंतर है, क्या आप लोग जानते हैं इनमें? इल्यूजन कहते हैं भ्रम को, है ना, हिंदी में कभी कभी अरेक होता है विभ्रम, लिखने आया, हाँ विभ्रम। इसमें अंतर क्या है थोड़ा सा मैं बस बता देता हूँ, छोटा सा अंतर है। इल्यूजन भ्रम, इसका मतलब होता है, भ्रम का मतलब हम जैसे ये पेन है, पेन को हम कुछ और समझ लें, मेरे को भ्रम हो गया, कुछ और समझ लें। जैसे बड़ा अच्छा एग्जांपल होता है कि कोई रस्सी है तो रस्सी को सांप समझ जाना एक तरीके का भ्रम है, इल्यूजन है, है ना। डिल्यूजन क्या होता है? डिल्यूजन कोई वस्तु का न होते हुए भी उसकी कल्पना कर लेना, है ना। जैसे यहाँ पर ये कमरा खाली है और ये मुझे कोई व्यक्ति दिखाई देने लगे, जैसे किसी किसी को भूत दिखाई देने लग जाता है ना, तो दैट इज डिल्यूजन। तो किसी चीज़ का होना और उसको किसी दूसरे रूप में देखना इज इल्यूजन, दैट इज भ्रम। और जब किसी चीज़ को किसी चीज़ का न होना फिर भी उसको देखना, दैट इज डिल्यूजन। यही एक सबसे सरल तरीका है इसको समझना। हेलुसिनेशन एक समझिए कि विभ्रम जैसी ही समस्या है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। ये भी एक साइकोलॉजिकल ही तरीका है, जैसे कोई कोई डर उठ जाता है तो उसको हेलुसिनेट होता है। ये डिल्यूजन से बहुत मिलता जुलता है, विभ्रम वाली स्थिति है, वो अजीब अजीब तरह के सपने देखने लग जाते हैं, दैट इज रिलेटेड विथ हेलुसिनेशन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। चलिए अगला जो प्रश्न है हमारे सामने एटीट्यूड से रिलेटेड है, एक आपका यूनिट एटीट्यूड का भी है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में दृष्टिकोण, ऐसे दृष्टिकोण लिख दिया है एटीट्यूड को, चूंकि अब ट्रांसलेट करेंगे तो इसको अभिवृत्ति कहते हैं, अगर थोड़ा सा अच्छा हिंदी में कहा जाए तो इसको आप अभिवृत्ति भी समझिएगा। अभिवृत्ति मैं लिख दे रहा हूँ, है ना, अभिवृत्ति कहते हैं, ठीक, अभिवृत्ति। तो व्हाट इज एन एटीट्यूड इन साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में एटीट्यूड क्या है? तो पहला, अ मेंटल स्टेट दैट इन्फ्लुएंसेस एन इंडिविजुअल्स रेस्पॉन्सेस टू स्टिमुली, ऑब्जेक्ट और सिचुएशन, क्या ये है? अ सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल दैट गवर्न पर्सन बिहेवियर, सेकेंड जो है वो होगा क्या? थर्ड देखिए, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू एंड रिलेटिवली एंड्योरिंग इन्फॉर्मेशन और बिहेवियर, ये सी। फोर्थ देखिए, द एबिलिटी, दिख रहा है ना फोर्थ, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अनदर, क्या ये बात है? तो इसका जो सही उत्तर है वो मैं बता देता हूँ। इसका सही उत्तर है पहला, दैट इज अ मेंटल स्टेट दैट इन्फ्लुएंसेस एन इंडिविजुअल्स रेस्पॉन्सेस टू स्टिमुली, ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। थोड़ा सा इसमें थोड़ा आपको जर्गन अर्थात थोड़ा कठिन या ऐसा ना समझ में आया, हालांकि ऐसा कुछ नहीं लिखा है इसमें कि ना समझ में आया होगा कि एक ऐसी मानसिक स्थिति जो उत्तेजनाओं, वस्तुओं, स्थितियों के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करती है। इसको आप एक समझ लीजिए, कोई भी व्यक्ति होता है उसका एक एटीट्यूड होता है, एक तरीके का उसको दृष्टिकोण कहिए, एक तरीके का, इसके लिए एक और टर्म यूज किया जाता है, किसी व्यक्ति का टेंडेंसी कहते हैं, इसका इंक्लिनेशन कहते हैं, इससे रिलेटेड जो टर्म मैं बता रहा हूँ, टेंडेंसी। एटीट्यूड को आप टेंडेंसी के रूप में देख सकते हैं, है ना, या फिर इंक्लिनेशन ये कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं। एटीट्यूड का मतलब होता है आप किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी विचार के प्रति क्या राय, रुझान रखते हैं। इसके लिए अगर थोड़ा सा देसी शब्द कहेंगे तो रुझान होता है एटीट्यूड के लिए, ना। तो आप इसको थोड़ा सा और डिफाइन करना चाहें तो मैं डिफाइन कर देता हूँ, अ सेट ऑफ बिलीव्स कह सकते हैं, ये सेट ऑफ बिलीव्स कह सकते हैं, या इमोशन कह सकते हैं, सेट ऑफ बिलीफ इमोशन एंड बिहेवियर इज कॉल्ड एटीट्यूड, सेट ऑफ बिलीफ लिख दूँ क्या? चलिए अगले वाला स्लाइड में लिखना पड़ेगा। एटीट्यूड को हम क्या देखेंगे, पहला आंसर था, इसको हम देखेंगे क्या, एक अ सेट ऑफ, ए सेट ऑफ इमोशन, इमोशन कह सकते हैं, तीन चीजें हैं, बिलीफ कह सकते हैं, और आप एंड बिलीफ, सॉरी एंड क्या बच गया, अ सेट ऑफ इमोशन बिलीफ एंड बिहेवियर इज नोन एज एटीट्यूड, है ना, ये बात हो गई। इसको हम कहेंगे क्या, एटीट्यूड। हिंदी वाला शब्द भी याद रखिएगा, जिन लोगों को हिंदी, जो लोग हिंदी के साथ सहज हैं वो लोग, तो हिंदी के लिए जो सही टर्म यूज किया मैंने
वो अभिवृत्ति होगा ताकि किसी को तकलीफ ना आए, अगर अभिवृत्ति सही ट्रांसलेशन होगा तो। रुझान समझ लीजिए, झुकाव समझ लीजिए, झुकाव किसी वस्तु, विचार, व्यक्ति, इन सबों के प्रति किसी व्यक्ति का अभिवृत्ति, रुझान, झुकाव, इन सबको हम एटीट्यूड कहते हैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ देखिए, ये सवाल किसी आप में से में ही जो कोर्स में बच्चे हैं उन लोगों का ही कोई सवाल था इससे संबंधित। व्हाट इज इम्प्लिसिट बायस, है ना, इम्प्लिसिट बायस, अंतर्निहित पूर्वाग्रह, ऐसे बायस को पक्षपात कहना ठीक रहता है, है ना। बायस मतलब एक तरीके का पक्षपात कहिए, है ना। ये तो इसमें कह रहा है कि इनमें जो इम्प्लिसिट बायस है ये क्या चीज है, है ना, इम्प्लिसिट बायस क्या है। तो देखिए ऑप्शन कह रहा है अडेलिब्रेट, अडेलिब्रेट एंड कॉन्शियस नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स ग्रुप, क्या ये बात है। दूसरा कह रहा है कि एन अनकॉन्शियस एटीट्यूड और स्टीरियोटाइप दैट अफेक्ट अंडरस्टैंडिंग एक्शंस एंड डिसीजंस, क्या ये है, देखना चाहिए। सी एन ओवर्ट एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, क्या ये है। फोर्थ है ए जस्टिफाइड नेगेटिव बिलीफ बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंसेस, क्या ये है, क्या है आपका इम्प्लिसिट बायस। देखिए किसी भी व्यक्ति के दो तरह के बिहेवियर होते हैं, ये पहले जान लीजिए। एक होता है जिसको हम इम्प्लिसिट कहते हैं, एक होता है एक्सप्लिसिट कहते होता है, है ना। अभी थोड़ा सा नीचे मैं बेहतर समझा दूंगा, पहले ये समझिए व्हाट इज इम्प्लिसिट बायस। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, देखिए एन ऑन, यहीं से समझ जाइए इम्प्लिसिट बायस का डेफिनेशन ही दिया है, एन अनकॉन्शियस एटीट्यूड और स्टीरियोटाइप दैट अफेक्ट्स अंडरस्टैंडिंग एक्शंस एंड डिसीजंस। इसका मतलब हुआ कि एक ऐसी एटीट्यूड है, एक अनकॉन्शियस एटीट्यूड, उसके बारे में आपको भी नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि आप क्यों बीजेपी के समर्थक हैं, आपको ये नहीं पता कि आप क्यों कांग्रेस के समर्थक है, आपको ये नहीं पता कि किसी और के क्यों समर्थक है, लेकिन आप हैं, है ना। तो एन अनकॉन्शियस एटीट्यूड और स्टीरियोटाइप किसी के प्रति, हाँ हम इसको बुरा मानते हैं तो मानते हैं, जैसे कोई कहते नहीं मुसलमान बुरा होता तो होता, बट इसके अलावा मैं कुछ बात ही नहीं करना चाहता, ऐसा होता ना कई बार, बात खत्म इस तरीके का। तो वही बात कह रहा है कि आप किसी चीज को अनकॉन्शियसली भी करते जाते हैं, बस करते जाते हैं, उस पर आप कभी सोच ही नहीं पाते कि क्यों, मतलब क्योंकि वो आपका अंदर से कुछ चीज़ है जो आपको महसूस नहीं करने दे रहा है कि क्यों ऐसा होता है। तो अनकॉन्शियस होता है, वो कॉन्शियस में होता है ना, आप अनकॉन्शियस का मतलब आपका जहाँ पर लॉजिक काम नहीं कर पा रहा है ना। तो अनकॉन्शियस एटीट्यूड और स्टीरियोटाइप दैट अफेक्ट्स अंडरस्टैंडिंग, जो आपको समझ को प्रभावित करता है, आपके एक्शंस अर्थात कार्यों कृत्यों को प्रभावित करता है, आपके डिसीजंस को प्रभावित करता है, दैट इज इम्प्लिसिट बायस, आपको पता नहीं रहता। अरे ये कहाँ पर काम करता है, अनकॉन्शियस लेवल पर। ये जो पहला लिखा है डिलिबरेट एंड कॉन्शियस नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स अ ग्रुप, वो होगा एक्सप्लिसिट बायस का ये डेफिनेशन है, याद रखिएगा। ये होगा तो ये होगा एक्सप्लिसिट बायस, है ना, कि आप जानते हुए किसी चीज को पक्षपात कर रहे हैं, है ना। जैसे मैंने अभी राजनीतिक पार्टियों वाला की जो बात कर रहे हैं, तो कोई किसी के समर्थन एक बार समर्थक हो जाते हैं ना एक पार्टी विशेष की, तो हो जाते हैं, बस वो जान रहे होते हैं, उसके प्रति सचेत होते हैं कि मैं हूँ, है ना। तो भी एक तरीके के पक्षपात होते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप लॉजिक नहीं कर रहे होते हैं, आप बस होते हैं उसके समर्थन में या विरोध में, ये बात है। तो इम्प्लिसिट बायस, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट को पहले समझ लीजिए। चलिए अगले स्लाइड में थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, ताकि आप ये समझ पाए। इधर हम ले लेते हैं इम्प्लिसिट को ही लेते हैं पहले, और इधर हम एक्सप्लिसिट को लेते हैं, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। चलिए इम्प्लिसिट का मतलब क्या हुआ, विच इज नॉट ऑब्जर्वेबल, ऐसी समझ लीजिए आपके थॉट एक्शंस, जैसे कोई कई आपके सामने कोई व्यक्ति हो, खड़ा हो, अब मुस्कुरा रहा हो आपको देख के, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है ये पता नहीं चलता, है ना। उसके मन में क्या है ये नहीं पता चलता, मन ही मन में क्या उसके पक रहे हैं वो कुछ पता नहीं चलता। तो कुछ ऐसे एक्शंस एंड बिहेवियर किसी व्यक्ति के अंदर होते हैं, वो इम्प्लिसिट होते हैं, दैट इज कोवर्ट होते हैं, जो ऑब्जर्वेबल नहीं होते हैं, है ना। ये काम करते हैं कहाँ,
अनकॉन्शियस लेवल पर, है ना, अनकॉन्शियस लेवल पर ये काम करते हैं, ये बस ध्यान रखना। ये एक्सप्लिसिट होता है वो कॉन्शियस लेवल पर काम करता है, अर्थात आप इसको जानते हो, है ना, जो ऑब्जर्वेबल है ना, आप किसी के प्रति सोशल हो, फ्रेंडली हो, है ना, बहुत बातचीत करते हो, तो ये सब दिख जाती है, दैट इज़ क्वाइट ऑब्जर्वेबल, है ना। तो ये एक्सप्लिसिट होता है, ये ऑब्जर्वेबल होता है ना, ऑब्जर्वेबल, आप इसको आराम से ऑब्जर्व कर सकते हो। क्या लिख रहा है मैंने, ऑब्जर्वेबल, ये ध्यान रखिएगा, ऑब्जर्वेबल, इसका आराम से इसको, और एक है कि इसको आराम से ऑब्जेक्टिव टेस्ट के थ्रू आराम से इसको आप वो कर सकते हो, माप सकते हो ना, इजीली इट कैन बी मेजर्ड इजीली, इसको कहते हैं ना, इट कैन बी, थोड़ा लिख ही देते हैं, इट कैन बी मेजर्ड, मेजर्ड, अरे बाप क्यों तंगाली में आटा गया, मेजर्ड इजीली, जैसे आप यूज करते हो ना, जैसे आप क्वेश्चनियर यूज कर लो, इंटरव्यू यूज कर लो, इसके जरिए आप आराम से एक्सप्लिसिट बिहेवियर को जांच सकते हैं। लेकिन अनकॉन्शियस क्या होता है, ये अनऑब्जर्वेबल होता है, मतलब आराम से इसको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर होता है, इट कैनॉट बी मेजर्ड इजिली, है ना। तो सेम हो जाएगा, इट कैनॉट बी, ऐसा लिखना ठीक नहीं होगा, इट कैनॉट बी मेजर्ड, मेजर्ड इजिली, है ना। अगर आप जब देखेंगे वीडियो तो ये ज़रूर ये सब नोट रखिएगा, एक बात ये। और इसको, इसके लिए जो टेस्ट यूज किए जाते हैं वो सब यूज जो होते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज किए जाते हैं, है ना। प्रोजेक्टिव टेक्निक में जैसे रोसाक पाक, रोसा का इंक ब्लॉक टेस्ट है पर्सनालिटी वगैरह के लिए, है ना। उसके अलावा MMS क्या है वो, मिनेसोटा का टेस्ट वगैरह है, तो बहुत सारा ऐसे कुछ कुछ टेस्ट होता है जिसको आप यूज करते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक, जैसे सेंटेंस वो सब होता है ना, जिसमें आधा कहानी होती है और उसको आपको देख के पूरा करना होता है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन दी जाती है उसके थ्रू आपका अनकॉन्शियस माइंड को स्टडी करने की कोशिश की जाती है, उसके थ्रू प्रोजेक्टिव टेक्निक जिनको कहते हैं, इसके अंतर्गत बहुत कुछ आ जाता है, सेंटेंस कंप्लीशन आ जाता है, स्टोरी कंप्लीशन वगैरह आ जाता है ना, तो ये सब चीज़ें आ जाता है आपका, या सिचुएशन वगैरह कुछ दी जाती है, तो इसमें तो मुख्य रूप से बहुत सारा अचीवमेंट टेस्ट वगैरह आ जाते हैं, इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह बहुत सारे ऐसे चीज़ें आ जाते हैं जिसके जरिए आप इसको वो कर सकते हैं ना, जैसे अचीवमेंट टेस्ट हो गया, हो गया एटीट्यूड वगैरह टेस्ट हो गया, क्वेश्चनियर वगैरह जो बनाते हैं, तो इन सब के जरिए आप आराम से इनको लगा सकते हैं। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए ज़्यादा ना विलंब करें, छोटा वीडियो बनाएंगे। चलिए, व्हाट इज वैल्यू, एक बहुत जेनेरिक सा सवाल आपके सामने रखते हैं कि व्हाट इज वैल्यू, मनोविज्ञान के संदर्भ में मूल्य का क्या तात्पर्य है। मूल्य तो हम जानते हैं, ये पेन है, इसकी कीमत है, मेरे पास ये गरीब सा मोबाइल है, इसकी भी एक कीमत है, ठीक है, हर चीज़ की कीमत है। तो एक परिभाषा जब हम बीएड में थे तो हमारे प्रोफेसर साहब दिया करते थे, एनीथिंग दैट कैन बी वैल्यूड इज वैल्यू, है ना, वो हर चीज़ जिसको वैल्यू दिया जा सकता है वो वैल्यू है। किसी का इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू होता है, किसी का वही, किसी का इम्प्लिसिट वैल्यू, किसी का एक्सप्लिसिट वैल्यू, किसी का मॉनेटरी वैल्यू होता है जनरली, और किसी का कुछ दूसरे टर्म में वैल्यू होता है, लेकिन वैल्यू तो होती है। तो वैल्यू क्या है, वैल्यू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइकोलॉजी, तो क्या होता है साइकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में इसकी वैल्यू, और पर्सनल पर्सनालिटी ट्रेट, क्या पर्सनालिटी ट्रेट है, अ स्टैंडर्ड और प्रिंसिपल दैट गाइड्स बिहेवियर, क्या ये होगा पहला पर्सनालिटी ट्रेट होगा। तीसरा है एन इमोशनल रेस्पॉन्स है, क्या क्या है, कॉग्निटिव बायस, संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह है क्या, नहीं तो इसका तो बहुत आसान सा आंसर है, दैट इज अ स्टैंडर्ड और प्रिंसिपल दैट गाइड्स बिहेवियर थ्रू आउट योर लाइफ कह सकते हैं, या थ्रू आउट योर जर्नी कुछ भी हो। तो कुल मिला के क्या हो गया, ये जो वैल्यू है एक स्टैंडर्ड और प्रिंसिपल या सेट ऑफ रूल्स कह सकते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, एक मानक कहते हैं ना कि ये डूज एंड डोंट्स वगैरह, खैर वो मोरालिटी पर काम करते हैं, लेकिन वैल्यू क्या है, एक स्टैंडर्ड है, और कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो गाइड्स करते हैं किसी खास व्यवहार के लिए, है ना, वैल्यू, तो उसको वैल्यू कहते हैं, ठीक है। ये भी अगर देखें तो इसके भी कई प्रकार होते हैं वैल्यू के भी, है ना, आपको आगे क्वेश्चन में मेरे ख्याल से ये मिलेगा, है ना। तो वैल्यू
तो जैसे एक तो यही हो गया कि भाई जैसे एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मेरे ख्याल से सवाल वगैरह पूछता है, अगर मैं पूछूं कि हमारे जो नेशनल वैल्यू कौन कौन से हैं, है ना, नेशनल नेशनल वैल्यू कौन कौन से हैं, तो क्या बोलेंगे आप? जैसे डेमोक्रेसी है, फ्रीडम है, सॉवरिनिटी है ना, रिपब्लिक है, दीज आर नोन एज नेशनल, है ना, नेशनल वैल्यू, राष्ट्रीय मूल्य कहते हैं इन सबों को। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए अपन आपके सामने, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज मोस्ट एसोसिएटेड विथ लैंग्वेज कंप्रेहेंशन। हाँ देखिए, इसके बारे में मेरे ख्याल से बात, हाँ ये क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, मैंने दरअसल आपके सेक्शनल टेस्ट से ही उठाया हुआ है ये क्वेश्चंस, तो थोड़ा जिनसे बात करी जा सकती है उन सब सवालों के लिए है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज मोस्ट एसोसिएटेड विथ योर लैंग्वेज कंप्रेहेंशन, तो इसका सही उत्तर जो है, ये पहला ऑप्शन आपके लिए है, ये है ब्रोकाज एरिया, वेर्निक्स एरिया, द हिपोकैम्पस एरिया, और द क्या लिखा है, एमिगडाला, यस द एमिगडाला, ये सब ब्रेन के पार्ट मतलब कह सकते हैं एरियाज हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका क्या है? इसका सही उत्तर है ये, द वर्निक्स एरिया, ये लाल वाला ही लेते हैं, थोड़ा मजा नहीं आ रहा है ना, तो वर्निक्स एरिया होता है जो कि आपका किससे संबंधित है, दैट इज एसोसिएटेड विथ योर लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन, है ना। अच्छा ये हिपोकैम्पस क्या है, हिपोकैम्पस के बारे में पता है? हिपोकैम्पस आपका मेरे ख्याल से ये ओपिनियन वगैरह से, मेमोरी, हाँ मेमोरी वगैरह से रिलेटेड है आपका, ये मेमोरी वगैरह से ही रिलेटेड होना चाहिए, हिप्पोकैम्पस ऐसा ही कुछ था। तो इसको याद रखिए, मेमोरी वगैरह से रिलेटेड है, मेमोरी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन भी दिया हुआ मैंने, हिप्पोकैम्पस ही मेमोरी से रिलेटेड है। चलिए आगे अगला सवाल देखिए, इम्प्लिसिट एटीट्यूड्स आर, देखिए वही सवाल पूछ दिया, इस पर तो समय नहीं गवाएंगे, बहुत बात कर चुके हैं। इम्प्लिसिट एटीट्यूड्स आर कौन है, एटीट्यूड दैट आर कॉन्शियसली एक्सेसिबल एंड ईजी टू रिपोर्ट, ये तो हो गया आपका एक्सप्लिसिट, ये जो परिभाषा लिखी गई है दैट इज ऑफ एक्सप्लिसिट एटीट्यूड, है ना, एक्सप्लिसिट का है। दूसरा, एटीट्यूड दैट आर फॉर्म्ड बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग, ये बात तो नहीं है भाई। तीसरा देखिए, एटीट्यूड दैट आर ऑटोमेटिक एंड ऑफन अनकॉन्शियस, ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक मतलब स्वचालित, उस पर बहुत ज़्यादा आपका, चूंकि आपको पता ही नहीं अंदर क्या हो रहा है तो आप उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, तो जिनको आप कॉन्शियस होते हैं उन पर कंट्रोल कर सकते हैं ना, तो इसलिए कह रहा है दैट इज ऑटोमेटिक एंड ऑफन, ऑफन मतलब अक्सर, अनकॉन्शियस, तो इसका जो सही उत्तर होगा ये सी होगा। चौथा क्या कह रहा है, एटीट्यूड मेजर्ड बाय सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनियर्स, तो ये तो कॉन्शियस एटीट्यूड्स के उदाहरण है, तो दैट इज द नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाँ फ्राइड बाबा आ गए, फ्राइड प्रपोज द डिफेंस मैकेनिज्म प्राइमरली ऑपरेट एट द लेवल ऑफ व्हाट, कह रहा है कि जो फ्राइड ने दिया क्या डिफेंस मैकेनिज्म, पिछली वाली वीडियो जो मैंने फ्राइड के बारे में बहुत लंबी कहानी कही तो मैं फिर से नहीं दोहराऊंगा, आप लोग समझिएगा फिर से, है ना, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, मेंटल प्राइमाइसिस, साइकोसेक्सुअल स्टेजेज और माइंड के 3 हिस्सों की चर्चा, है ना, पर्सनालिटी की थ्योरी है उसकी, इस पर बात किए थे, सब पर किए हैं। आज ये जो सवाल है, कह रहे फ्राइड ने जो दिया डिफेंस मैकेनिज्म, तो यह माइंड की किस अवस्था पर काम करती है? अब देखो डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, देखिए हम अपने जीवन में जीने के लिए हर आदमी किसी न किसी तरह का डिफेंस मैकेनिज्म को यूज करता है ना, चाहे प्रोजेक्शन हो सकता है, रैशनलाइजेशन हो सकता है, या फिर सबलिमेशन हो सकता है, या फिर रिग्रेशन हो सकता है, सप्रेशन हो सकता है ना, रिएक्शन फॉर्मेशन हो सकता है, कई तरीके की चीज़ है ना, 17-18 की बात किया है मेरे ख्याल से इन्होंने ही, फ्राइड ने ही, तो हर व्यक्ति करता है, आप अगर इन जब सबों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर व्यक्ति करता है, जैसे आप कुछ काम हुआ उसको नहीं कर पाए, झूठ बोल दी, वो भी एक तरीके का क्या है, एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म है, और डिफेंस मैकेनिज्म कुछ अच्छे भी होते हैं, मतलब वो डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से यूज करते हैं, कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, बस आप उसको किस तरीके से यूज करते हैं, ये बात है डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में, इसको क्या बोलते हैं, रक्षा युक्तियाँ कहते हैं हिंदी में, अगर कहीं लिखा रहे तो इसका याद रखिएगा, डिफेंस मैकेनिज्म को हम रक्षा युक्तियाँ कहते हैं,
रक्षा युक्तियाँ। तो ये है रक्षा युक्तियाँ, डिफेंस मैकेनिज्म, जो जीवन में हम दिनचर्या में हमेशा करते हैं किसी न किसी रूप में। तो ये किस लेवल पर काम करते हैं, सीधे से बात है भाई, ये अनकॉन्शियस लेवल पर काम करती हैं, है ना। हम अचेतन अवस्था में ये ज़्यादातर जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो काम करती है, अचेतन अनकॉन्शियसली हम काम करते हैं ना, हमारी आदत का हिस्सा बन जाते हैं। कि अगर हम किसी से बचने के लिए तुरंत झूठ बोल देते हैं, है ना, या फिर कोई नौकरी नहीं या किसी तरह के एग्ज़ाम नहीं होता, कोई काम नहीं होता, तो हम उसके प्रति कहते हैं ना, जैसे वो अंगूर खट्टे हैं वाला, तो ये क्या है, रैशनलाइजेशन है वो अगर पढ़े होंगे तो। ये भी एक क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म। ये डिटेल में आप अगर चाहें तो थोड़ा गूगल कर लीजिए कि व्हाट आर द मेजर डिफेंस मैकेनिज्म, मैंने इसे बता दिया आपको, है ना। देखिए आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू फ्रायडियन, फिर से फ्रायड, अकॉर्डिंग टू फ्रायडियन थ्योरी विच पार्ट ऑफ द माइंड ऑपरेट्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल। अच्छा चलिए, ये आ गया मेंटल प्रेमिसिस से क्वेश्चन है, है ना। इसमें कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू फ्रायड विच पार्ट ऑफ द माइंड ऑपरेट्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल, है ना, कौन माइंड का कौन सा हिस्सा प्लेजर, प्लेजर प्रिंसिपल मतलब आनंद के सिद्धांत पर काम करता है, सुख के सिद्धांत पर काम करता है। तो ईगो, ऐसे इसका हिंदी जो लिखता है, ईगो को अहम कहता है साइकोलॉजी, है ना, अहम। सुपर ईगो को कहता है परा अहम, परा अहम, है ना, परा अहम कहता है। और ईड को कहता है, ईड को क्या कहता है भाई, ईड ही समझो भाई, हमको अभी यही याद आ रहा है, ईड को कुछ कहते हैं, फिर याद आएगा तो मैं बता दूंगा। चलो, तो ये तीन मेंटल प्रेमिसेस की बात की है, तो इसमें सवाल पूछ रहा है कि ये कौन सा है जो कि प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। तो आप अगर इसको पढ़े होंगे तो बहुत आसान है, प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है वह है आपका ये, क्या नाम है इसका, ईड। ईड जो है ये प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है, और ख़ास करके जो बच्चे हैं वो प्लेजर पर काम करते हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं जीवन से, कोई मर जाए लेकिन उसको खाने के लिए चाहिए तो खाना चाहिए बस, कुछ बड़े लोग भी होते हैं तो उनके लिए भी। तो वो मेंटल इन तीन हिस्सों की बात की है, थोड़ा सा मैं इस पर बात कर दूंगा, है ना। प्लेजर प्रिंसिपल का पर ये काम करता है कौन, आपका ईड। कोई बताए मुझे ईगो किस पर काम करता है, ईगो कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है। ईगो जैसे सुपर ईगो है, सुपर ईगो किस पर काम करता है, ये मोरालिटी प्रिंसिपल पर काम करता है, है ना। मोरालिटी मतलब एकदम सही गलत सबको देखते हुए, क्या लिख रहा हूँ मैं भाई, मोरालिटी प्रिंसिपल इस पर काम करता है। हाँ, ईगो किस पर काम करता है, ये काम करता है रियलिटी प्रिंसिपल पर, ये भी ध्यान रखिएगा, रियलिटी प्रिंसिपल पर। अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ये समझ लीजिए, उसमें क्या कह रहा है, ईगो सबसे पहले जब आदमी जन्म लेता है तो उसके अंदर ये वाली इच्छा ज़्यादा होती है, ईड वाला स्वभाव होता है किसी, मतलब एक तरीके के जानवरी प्रवृत्तियाँ इसमें होते हैं, कि आप अपनी जो भौतिक सुख हैं, शारीरिक ज़रूरतें हैं, उसको पूरा करने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, प्लेजर है इसके केंद्र में, है ना। आपको ज़्यादा बहुत कुछ आप मोरालिटी के बारे में नहीं समझते, नैतिकता के बारे में नहीं सोचते, और बस अपनी इच्छाओं की पूर्ति कहते हैं ना, इच्छाओं की पूर्ति वगैरह के लिए आप लगे रहते हैं। तो ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, प्लेजर प्रिंसिपल, या ईड से आप पूरे तरीके से वो हैं। तो एक तरीके से ये समझिएगा इसको कि आपके भौतिक सुखों या प्लेजर जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं इसको फुलफिल करने के लिए आप मतलब ज़्यादा वो रहते हैं, और जो चीज़ों से आपको सुख मिलते हैं आपके शरीर को, उस इसके लिए आप काम करते हैं, दैट इज ईड। ईगो क्या होता है, उसके आगे वाला स्टेज, जैसे जैसे आदमी का समझिए कि ग्रोथ होता है मेंटली एज वेल एज फिजिकली एज वेल एज मेंटली, तब वो रियलिटी की तरफ बढ़ता है, वो देखता है कि कब आनंद की ज़रूरत है और कब मोरालिटी की ज़रूरत है, उसके हिसाब से एक बैलेंस जीवन जीता है, कि कितने हद तक आपको फिजिकल हैप्पीनेस की ज़रूरत है और कितने तक नहीं चाहिए, है ना। तो उनके बीच एक बैलेंस बनाता है, ये मोरालिटी और प्लेजर के बीच एक तरीके का ब्रिज का काम करता है। तो इसको मेरे ख्याल से एक टर्म यूज किया गया था, इसको हाईवे समथिंग कहा गया, हाईवे बिटवीन दिस, एक तरीके का पुल समझ लीजिए, वो टर्म मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा इसलिए। तो रियलिटी प्रिंसिपल
एक तरीके का, इन दोनों के बीच मोरालिटी चूंकि बहुत आगे की बात हो जाती है, उसमें एकदम गांधी टाइप का आदमी आने लग जाते हैं ना, जिसमें जो सही है उसके लिए जैसे संत लोग जो हो जाते हैं उस टाइप का बात करते हैं, मोरालिटी जो सही है सो सही है बस, बहुत और कुछ तर्क नहीं करना है ना। तो ये बात है जिसकी बात करते हैं फ्राइड, तीन तीनों को समझ आया। लिबिडो जिसके बारे में वो कहा सेक्सुअल एनर्जी की बात करते हैं ना, कामेच्छा लिबिडो। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नाइन्थ। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल डेप्रिवेशन, एक सवाल आपका मेरे ख्याल से सामाजिक समस्याएं से ये है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल डेप्रिवेशन व्हाट डज द टर्म सोशल एक्सक्लूजन रिफर टू, सामाजिक एक्सक्लूजन बहिष्कार होगा क्या, सामाजिक बहिष्कार शब्द का क्या अर्थ है। हाँ देखिए, द वॉलंटरी आइसोलेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम सोशल इंट्रैक्शन, क्या ये होगा, मतलब सामाजिक संपर्कों से व्यक्ति को स्वैच्छिक अलगाव, खुद ही से जब अलग कर दिया इसको कहेंगे क्या हम सोशल एक्सक्लूजन। द सिस्टमेटिक ब्लॉकिंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेज टू सर्टेन ग्रुप्स इज, क्या ये होगा सोशल एक्सक्लूजन। या थर्ड, द इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्स कल्चर प्रैक्टिसेस इनटू सोसाइटी, तो इंटीग्रेशन की बात कर दिया, ये तो बात ही खत्म हो गया, इंटीग्रेशन की बात थोड़ी है, एक्सक्लूजन की बात है। द इन्हेंसमेंट ऑफ सोसाइटी सोशल नेटवर्क्स एंड सपोर्ट सिस्टम, नहीं ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, द वॉलंटियर नहीं होता सोशल एक्सक्लूजन। दरअसल क्या होता है, द सिस्टमेटिक ब्लॉकिंग, हम एक ऐसे सिस्टम है हमारे समाज में जिसके जरिए हम एक समाज विशेष समाज के वर्गों को देखिएगा कि डिप्राइव किया जाता है, वंचित किया जाता है ना, किससे, अवसरों से, संसाधनों से, हम किसी खास ग्रुप को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द सिस्टमेटिक ब्लॉकिंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेज टू सर्टेन ग्रुप्स, जैसे आज रिजर्वेशन है, क्यों है, क्योंकि सिस्टम ने उनके साथ बहुत वर्ष सदियों तक जुल्म ढाहा है ना, उनके प्रति क्या कहेगा एक तरीके का शोषण किया है, तो इस वजह से आज उनके साथ मतलब आरक्षण है। तो ये बात है, उनके रिसोर्सेस नहीं मिलेंगे, उनके अवसरों नहीं मिलेंगे, तो इसलिए उनको वो आरक्षण है ना, तो सोशल एक्सक्लूजन का हिस्सा रहा, वो वॉलंटरियली नहीं रहे, वो खुद से नहीं रहे, उनको समाज ने, सिस्टम ने ऐसे बनाया है ना। एक मनुष्य को ही जब जानवर तुल्य व्यवहार करने लग जाएगा तो क्या होगा, तो ये बात थी। खैर देखिए आगे, दसवां नंबर, विच थेरापेटिक अप्रोच एम्फसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस इन सेपिंग बिहेवियर, है ना, कौन सा अप्रोच किसी एम्फसाइज करता है, किसके इम्पोर्टेंस पर, अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस पर कौन जोर देता है। तो देखिए हिंदी में ठीक से लिखा, कौन सा चिकित्सकीय दृष्टिकोण व्यवहार को आकार देने में अचेतन संघर्षों और बचपन के अनुभवों को महत्व पर जोर देता है। तो क्या ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, क्या ह्यूमनिस्टिक थेरेपी है, क्या साइकोडायनेमिक थेरेपी है, या ये गेस्टाल्ट थेरेपी है। तो इसका सही उत्तर है साइकोडायनेमिक। जहाँ ये टर्म देखे आप अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट, तो समझ लीजिए वो फ्रायड बाबा से संबंधित हैं, इतना आप भी जानते होंगे, क्या ही बोले इसमें। गेस्टॉल के बारे में तो जानते हैं, इसके बारे में तीन चार लोगों को याद रखिएगा, कोहलर, वर्दिमर और लेविन, ये सब है ना, कुट कोफका, हाँ कोफका है। किसने शुरुआत की थी इसकी गेस्टॉल थेरी की, वर्दिमर ने कब की थी, 1930, याद रखिए डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन जर्मनी में शुरुआत की थी मेरे ख्याल से 1830 या इस आसपास का ही घटना है ये ना, देखिएगा ये, लेकिन ये है जर्मनी में। और एक गेस्टॉल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब समग्र या क्या होता है, हाँ गेस्टॉल्ट क्या है, गेस्टॉल्ट एक जर्मन शब्द है, गेस्टॉल्ट है ना, क्या भाई गेस्टॉल्ट जर्मन शब्द है और इसका मतलब होता है टोटल या समग्र, समझ लीजिए है ना। इसलिए देखिएगा इसमें बात की जाती है किसी भी समस्या को होलिस्टिकली देखने की, है ना, एकदम समग्र रूप में देखने की, ऐसा नहीं हो कि आप किसी अंश को देखते हैं, इसलिए होलिस्टिक अप्रोच के रूप में भी यह जाना जाता है गेस्टॉल्ट अप्रोच है, ये बात ध्यान रखिए। सहायक आचार, स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य जो हैं और इंग्लिश जिन्होंने जिनका भाषा के अंतर्गत विषय है वो मॉक टेस्ट 199 पर ले सकते हैं, ये अवेलेबल है एसटीडी फॉर गर्ल्स के ऐप पर और वेबसाइट पर भी, है ना, तो जो इच्छुक हैं ले सकते हैं। चलिए
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड टेस्ट एंड अचीवमेंट टेस्ट। दरअसल मुझे याद आ गया कि जैसे हम लोग आईपीएल वगैरह देखते हैं, कोई क्रिकेट मैच वगैरह तो बीच में एडवर्टीजमेंट आ जाता है, तो ऐसे एडवर्टीजमेंट देख के लगता है कि हम भी वही कर रहे हैं, तो इट्स जस्ट अ जॉक। सो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड टेस्ट एंड अचीवमेंट टेस्ट। रोजी रोजगार का सवाल है क्या करें। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड टेस्ट एंड अचीवमेंट टेस्ट। हाँ, इसमें पूछ रहा है कि क्या अंतर है एप्टीट्यूड टेस्ट और अचीवमेंट टेस्ट में। बताइएगा जरा कौन सा सेंटेंस उसको सही कह रहा है। एप्टीट्यूड टेस्ट मेजर पोटेंशियल लर्न, व्हाइल अचीवमेंट टेस्ट मेजर व्हाट हैज ऑलरेडी बीन लर्न। ये है, एप्टीट्यूड टेस्ट आर ऑब्जेक्टिव, व्हाइल अचीवमेंट टेस्ट आर ऑब्जेक्टिव। एप्टीट्यूड टेस्ट मेजर पर्सनैलिटी, व्हाइल अचीवमेंट टेस्ट मेजर इंटेलिजेंस। कैसा है, देर इज नो डिफरेंस, दे आर द सेम। कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही बात, ऐसा नहीं है। इसका जो सही अंतर है, दैट इज फर्स्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट मेजर पोटेंशियल। एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में ध्यान रखिएगा कि ये जो टेस्ट है किसी व्यक्ति की भविष्य की क्षमताओं का मापन करता है कि भविष्य में क्या होगा। इसलिए आप देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। इवन आप कोई भी टीचिंग का एग्जाम देने जाएं तो या तो उसके एलिजिबिलिटी में, जैसे टेट होता है, सीटेट होता है, उसमें बिना सीडीपी के चाइल्ड साइकोलॉजी के क्वेश्चन पूछे आप पास नहीं होंगे। वो पूछता है क्योंकि आपको मतलब चेक करता है, आपको टेस्ट करता है क्या आप में वो एबिलिटीज हैं कि आप टीचर बन पाएंगे। उसी तरीके देखिएगा उसमें होता है ना, हाँ, सिविल सर्विसेज में सीसेट्स वगैरह होते हैं जो आपको सिविल सर्विस के जो एप्टीट्यूड है कि आप बन पाएंगे कि नहीं, है ना। तो किसी भी क्षेत्र में जा रहे हैं तो उससे पहले आप में वो क्षमताएँ, उसमें आप में वो एटीट्यूड है कि नहीं, उसका जब मापन होता है दैट इज कॉल्ड एप्टीट्यूड। और अचीवमेंट क्या होता है, अचीवमेंट तो वो होता है जब आप कोई चीज पढ़ लिए हैं, सीख लिए हैं, और उसके बाद आपको सच में जांचा जाता है। जैसे हम लोग स्कूलों में, कॉलेजेज में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ लेते हैं, उसके बाद परीक्षा होती है, दैट इज अचीवमेंट टेस्ट, कि आपने पढ़ा तो कितना अचीव किया है, टू व्हाट एक्सटेंट यू हैव लर्न समथिंग, है ना, क्या किस हद तक आपने कुछ चीज़ को सीखा है, उसका मापन होता है अचीवमेंट टेस्ट। तो जितना भी हम लोगों का मार्कशीट है दैट इज अचीवमेंट रिलेटेड विथ अचीवमेंट टेस्ट, है ना। और जब हम एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो जितना भी लगभग एंट्रेंस जो होते हैं ये एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, क्योंकि आप किसी चीज़ में दाखिला लेने जाते हैं। इवन जैसे टीचिंग वगैरह बोला, डॉक्टर वगैरह बोला, तो उन सबों का एंट्रेंस एग्जाम इज रिलेटेड विथ एप्टीट्यूड टेस्ट, व्हाइल अचीवमेंट टेस्ट इज रिलेटेड विथ योर परफॉर्मेंसेस, इट्स अ काइंड ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। अच्छा, एक चीज़ यहाँ बता देते हैं थोड़ा सा। अच्छा, आप जब टेस्ट कहते हैं तो इसको कितने कैटेगरी में आप बांट सकते हैं, है ना। टेस्ट जब है, एक टेस्ट है, चूँकि आपका एक यूनिट टेस्ट से रिलेटेड, साइकोलॉजिकल टेस्ट से रिलेटेड है, कितने स्तरों तक बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, आप कितने स्तर पर बांट सकते हैं, बहुत स्तर तक बांट सकते हैं। मैं कुछ कुछ बता देता हूँ। जैसे एक होता है वर्बल नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं, इस आधार पर आप बांट सकते हैं, है ना। वर्बल टेस्ट होते हैं कुछ नॉन वर्बल होते हैं, और क्या होते हैं, कुछ ग्रुप टेस्ट होते हैं, कुछ इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं ना, ग्रुप टेस्ट होते हैं। जैसे इंटेलिजेंस का जो पहला टेस्ट है वो कैसा है, ग्रुप टेस्ट है या इंडिविजुअल टेस्ट है, तो दैट इज इंडिविजुअल, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ग्रुप होता है, इंडिविजुअल होता है, है ना, तो ये भी ध्यान रखिएगा। वर्बल नॉन वर्बल से क्या मतलब है, वर्बल नॉन वर्बल का मतलब होता है वर्बल इज रिलेटेड विथ लैंग्वेज एंड नॉन वर्बल इज रिलेटेड विथ द साइन सिंबल एंड सम यू नो इमेजेज आर यूज्ड, है ना, तो उसको हम नॉन वर्बल कहते हैं। जिसमें भाषा की बहुत ज़्यादा यूज नहीं है उसको हम नॉन वर्बल कहते हैं, तो इस आधार पर आप बांट सकते हैं। उसके अलावा तो एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर आप बांट सकते हैं उसको कई तरीके से, स्पीड टेस्ट बांट से, पावर टेस्ट कह सकते हैं, है ना, बहुत तरह, क्राइटेरियन टेस्ट कहते हैं, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कहते हैं, कई आधारों पर कितने तरीके से बांटा जा सकता है। चलिए ये देखिए,
व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हाँ, जब व्यक्तिगत भिन्नता वाला जो चैप्टर है उसी में है आपका ये साइकोलॉजिकल टेस्ट। चूंकि आप साइकोलॉजिस्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पता कैसे लगाएंगे, टेस्ट के थ्रू ही लगाएंगे ना। कि जैसे कोई व्यक्ति टीचर बनना चाहता है, कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, ये सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, सब में व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, है ना। इसमें पूछ क्या आ रहा है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। हाँ, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की प्राइमरी मतलब पर्पस क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस के संदर्भ में, उसका क्या उद्देश्य है ये पूछ रहा है। तो क्या करें, टू आइडेंटिफाई फिजिकल हेल्थ इशूज। नहीं भाई, बिल्कुल केवल यही तो नहीं हो सकता, देखना पड़ेगा। दूसरा, टू मेजर एंड अंडरस्टैंड वेरिएशंस इन कॉग्निटिव एबिलिटीज, पर्सनैलिटी एंड अदर ट्रेट्स, देखना पड़ेगा क्या ये बात है पूरा। तीसरा क्या कह रहा है, टू इंश्योर कंप्लायंस विथ लीगल स्टैंड्स, ना केवल ये तो नहीं भाई। टू प्रोवाइड एंटरटेनमेंट, सबसे लंबा लाइन जनरली जो होता है आंसर होता है, आई एम नॉट सेइंग दैट विथ माई फुल एंश्योरिटी, बट ऐसा होता है जनरली। तो ये है, टू मेजर एंड अंडरस्टैंड वेरिएशन इन कॉग्निटिव एबिलिटीज, पर्सनैलिटी एंड अदर ट्रेट्स। तो हम जब किसी को इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कैटेगरी में बांटना चाहते हैं, तो उसमें क्या है, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज कैसे डिफर कर रहे हैं, उसका पर्सनैलिटी कैसे डिफर कर रहा है, उसके अदर ट्रेट्स जो हैं। आप पर्सनैलिटी के थ्योरी जब पढ़ेंगे तो उसमें कई थ्योरीज हैं, है ना। तो उसमें आप एक ट्रेट थ्योरी भी देखेंगे। तो उसके जो मूल गुणों के आधार पर हम जनरली इंडिविजुअल डिफरेंसेस को क्या करते हैं, कैटर करते हैं, मतलब एड्रेस करते हैं, उसको जानते हैं। ये है तो कॉग्निटिव एबिलिटीज रिलेटेड विथ हिज हर माइंड, है ना, रिलेटेड विथ हिज हर कॉग्निशन, है ना, कॉग्निशन से रिलेटेड है। मेमोरी होता है जिसमें, लॉजिकल रीजनिंग होता है ना, बहुत सी चीज़ें हैं, डिसीजन मेकिंग होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, दैट इज़ रिलेटेड विथ कॉग्निटिव एबिलिटीज। पर्सनैलिटी तो एक कंस्ट्रक्ट है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगला एक सवाल, ये कॉग्निटिव डिसऑनेंस है ना, ये क्या है कॉग्निटिव डिसऑनेंस, ये बताइए जरा। संज्ञानात्मक, क्या इसको लिखा है हिंदी में, एक व्यक्ति द्वारा अनुभव की, नहीं, इसको हिंदी में देखना, विरोधाभासी विश्वास विचार मूल्य रखते, नहीं। हाँ देखिए, व्हाट इज कॉग्निटिव डिजन, इसका किया ही नहीं ट्रांसलेशन, चलिए। संज्ञानात्मक डिजोनेंस को हम क्या, विश्वास टाइप का कुछ कह सकते हैं, चलिए अच्छा देखते हैं कि क्या है ये, जान लीजिए पहले। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, अगर क्या आप लोग जानते हैं तो, पेन वहाँ चेंज करते हैं भाई, कौन सा ले, चलिए ये लेते हैं। हाँ, तो द मेंटल डिस्कम्फर्ट एक्सपीरियंस बाय अ पर्सन हु होल्ड्स टू और मोर कॉन्ट्राडिक्टरी बिलीफ्स आइडियाज वैल्यूज एट द सेम टाइम, क्या ये है कॉग्निटिव डिसऑनेंस, कि एक व्यक्ति द्वारा अनुभव की जाने वाली मानसिक परेशानी जो एक ही समय में दो या अधिक विरोधाभासी विश्वास विचार या मूल्य रखता है। दूसरा, द एक्ट ऑफ चेंजिंग वन्स बिहेवियर ड्यू टू द इन्फ्लुएंसेस ऑफ अदर, ये बात है क्या, द टेंडेंसी टू ओवरएस्टिमेट द इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अंडरएस्टिमेट द सिचुएशनल फैक्टर्स, क्या ये है। थर्ड, सॉरी द लास्ट वन, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बिहेवियर थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन, क्या होगा। तो जो करेक्ट आंसर है इसका द फर्स्ट वन। कॉग्निटिव डिसऑनेंस का मतलब होता है कैसी मेंटल डिस्कम्फर्ट, मानसिक दुविधा का एक सिचुएशन जिस या अनुभव जिसमें एक व्यक्ति इस तरह के, मतलब दो कॉन्ट्राडिक्टरी, दो विरोधाभासी, मतलब सही है या गलत है ना, एक तरीके का कॉग्निटिव द्वंद्व डिलेमा में रहता है ना, तो उसको एक तरीके का जिसमें कॉन्ट्राडिक्टरी उसके विश्वास होते हैं, अच्छा भी है बुरा भी है ना, वैल्यू आइडियाज होते हैं, वैल्यूज होते हैं एट द सेम टाइम, एक ही समय में जब उसे कई तरीके के विरोधाभासी विचार विश्वास या एक्शंस कह सकते हैं वो आने लग जाते हैं। एक्शंस नहीं, क्योंकि कॉग्निटिव से रिलेटेड है, तो दैट इज रिलेटेड विद हर बिलीफ्स आइडियाज एंड वैल्यूज, है ना। तो जब ये सब में कॉन्ट्राडिक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव डिसऑनेंस। इसमें एक चीज़ याद रखना चाहिए, ये टर्म को 1950 के आसपास एक व्यक्ति हुए, उनका नाम है, नाम को थोड़ा सा अलग पेन में लिखें ताकि आपके लिए ध्यान रहे, एक व्यक्ति है ये जरूर याद रखिएगा, लियोन
लियोन फिस्टिंगर इन्होंने इस टर्म को 1950 के आसपास दिया था, कॉग्निटिव डिजोनेंस को, है ना, लियोन फिस्टिंगर। तो ये बात रखिएगा किस संदर्भ में, जब किसी व्यक्ति के साथ विचार, मूल्य, इन सबों में क्या है विरोधाभास होने लग जाता है, कॉन्ट्राडिक्शन होने लग जाता है, है ना, उसको कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है 14वां, दो चार और क्वेश्चन होंगे। रोशाक इंक ब्लॉक टेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट टूल। ये रोशाक इंक ब्लॉक टेस्ट के बारे में अगर आपने सुना होगा, अगर नहीं सुने होंगे तो सुन लीजिए, एक तरीके का साइकोलॉजिकल टेस्ट है। तो किस तरीके का साइकोलॉजिकल टेस्ट है, किस तरीके के साइकोलॉजिकल टेस्ट का उदाहरण है। चलिए, तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है क्या, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, प्रोजेक्टिव टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और सेल्फ रिपोर्ट इंटरव्यू इन्वेंट्री, नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो है प्रोजेक्टिव टेक्नो। अच्छा बच्चा, आप लोग को नहीं कहा जा सकता, प्रोजेक्टिव टेस्ट। प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या होते हैं मैं बताता हूँ। प्रोजेक्टिव टेस्ट ऐसी टेस्ट होते हैं, प्रोजेक्टिव दरअसल एक टेक्निक है जिसके थ्रू अभी जब बात कर रहे थे ना, जनरली ये सब डील करता है आपके अनकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड में क्या चीज़ें चल रही थी उसको पता करने के लिए। और जनरली हमारे जो पर्सनालिटी है, ये पर्सनालिटी का जब मेजर करना होता है तो हम प्रोजेक्टिव टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। आप बहुत सुने होंगे कि एनडीए वगैरह की जो परीक्षा होती है उसमें जब इंटरव्यू चलता है तो उसमें इस तरह, इवन लोको पायलट वगैरह में भी कुछ कुछ हद तक, कुछ जहाँ पर साइकोलॉजिकल चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर ऐसा होता है। तो दरअसल मैं क्या बता रहा हूँ, पर्सनालिटी टेस्ट या प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में होते क्या हैं, ये पर्सनालिटी टेस्ट, पर्सनालिटी को टेस्ट करने के लिए प्रोजेक्टिव टेक्निक का यूज किया जाता है। और प्रोजेक्टिव टेक्निक के अंतर्गत एक समझ लीजिए कि रोशाक इंक ब्लॉक टेस्ट आता है। इसमें और भी कई तरीके के अपनाए जाते हैं, जैसे मैंने कहा ना, स्टोरी कंप्लीशन होता है, सेंटेंस कंप्लीशन होता है, या फिर सिचुएशनल स्टोरी होता है। जैसे एक बस है, उसके बस की ओर जाती हुई एक लड़की है, उसको देख कर आपको किस तरीके के मतलब वो अलग एक चित्र है और उसके उससे आपको एक कहानी बनानी है, है ना। तो उस कहानी के थ्रू आपके सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड में क्या होता है ये आपको पता लगाया जा सकता है। आपके इंटरव्यूअर इतना पूछ ले कि आपके पांच दोस्तों के नाम बताइए, उसके बाद उनके पांच क्यों पसंद है ये पूछ के आपके अनकॉन्शियस माइंड को पता चला सकता है। ये जो रोशाक इंक ब्लॉक टेस्ट है इसके थ्रू क्या वो करता था कि जैसे रोशाक मतलब इंक ब्लॉक से आपको पता चला, रोशाक उस साइकोलॉजिस्ट का नाम है जिसने इसको इन्वेंट करा इस टेस्ट को, लेकिन इंक ब्लॉक का मतलब क्या होता है, धब्बा। तो उन्होंने क्या किया, एक पेपर पर कई ऐसे ऐसे धब्बे बना दिए थे, हाँ ऐसे 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 बना लिए, ऐसे 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 कर दिए, ऐसे 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 कर दिए। जा अब इसमें पूछ देगा, अब इसको देखकर आपको तुरंत से जवाब देना है कि इसको देखकर आपके मन में क्या भाव आया, इसको देखकर आपको दिमाग में क्या भाव आया। तो इस तरीके को इन क्योंकि धब्बे लगा देते थे, उससे किसी को हो सकता है कि किसी को हत्यारा दिखे, हो सकता है किसी को देवी माँ की मूर्ति दिखे, हो सकता है किसी को मंदिर दिखे, हो सकता है किसी को खजाना दिखे, कई तरीके की चीज़ें ना। तो वो जो फर्स्ट वो में उसके दिमाग में आता है उसके आधार पर, जैसे आप बादल को ही देखते हैं ना तो कई तरीके की उसमें प्रतिमाएँ दिखती हैं, कई तरीके के चित्र निकल उभर कर सामने आते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें तो आपके अनकॉन्शियस माइंड को मतलब डील करते हैं। आपको सोचना नहीं होता, आप नहीं कि ये सोच कर जवाब देंगे कि आगे बैठा हुआ आदमी को अच्छा लगे, ऐसा नहीं, आप देख लिए बादल तुरंत बताइए, उसमें रिएक्शन टाइम रहता है। तो ये सब चीज़ें आपका प्रोजेक्टिव टेक्निक के थ्रू करी जाती हैं, और ख़ास करके आपके पर्सनालिटी का बेटर अंदाज़ा या टेस्ट के लिए ये सब चीज़ें प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के अप्लाई किया जाता है एग्जाम्स वगैरह में भी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाता है, साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर वगैरह होते हैं, तो उस समय भी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के थ्रू ये की जाती है ना। चलिए, ये मेरे ख्याल से समझ में आया। स्ट्रक्चर इंटरव्यू वगैरह तो ये सीधे किसी व्यक्ति से संबंधित कोई सूचना लेनी हो तो उससे संबंधित कोई आप उसको एक ये तो बहुत जो रिसर्च वगैरह होता है उसमें यूज होता है इसका, है ना, और ऐसा कुछ नहीं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी वैसे ही है, खास नहीं इसमें। चलिए देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है। जब द विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एम्पैथी इन कम्युनिकेशन, इन कम्युनिकेशन। चलिए यहाँ पर दो टर्म समझाना मैं बेहतर समझता हूँ। एक होता है एम्पैथी, जानते होंगे मेरे ख्याल से, लेकिन आप जान लीजिए अगर आप पढ़े होंगे डेनियल गोलमैन, हालांकि मैंने बात किया है, 1980 में एक किताब लिखा इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट कैन
मैटर मोर देन आईक्यू, है ना, ये किताब लिखी उन्होंने 1980s में। तो उसमें उन्होंने जो इमोशनल इंटेलिजेंस के चार गुण बताए उसमें एक एम्पैथी है, एक होता है सिंपैथी। इन दोनों में क्या बेसिक फर्क है थोड़ा सा, चूँकि आप साइकोलॉजी के हैं तो ये सब जानना चाहिए। सिंपैथी, जब आप किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को दुख में देखते हैं तो उस दुख दर्द के प्रति एक सहानुभूति रखते हैं कि अरे अच्छा नहीं हुआ उसका, उसके प्रति, किसी के आकस्मिक डेथ हो गई, किसी को चोट लगी, एक्सीडेंट हो गया, तो उसके प्रति आपका एक पिटी जगता है, एक आपके उसके प्रति इमोशन रहता है, दैट इज अ नॉर्मल फॉर एवरीबॉडी सिंपैथी। एम्पैथी इज अ लिटिल बिट डीपर, थोड़ा इससे गहरी बात है एम्पैथी। एम्पैथी में क्या होता है, एम्पैथी में जब आप दूसरे के दुख को वैसे ही समझ पाएँ जैसे दूसरा समझ पाया है, अरे तब होता है जब आप भी उस दौर से कभी गुजरे हों। जैसे हम थोड़ा सा कॉमन एग्जाम दीजिए, जैसे किसी ने प्रेम किया, प्रेम के बाद ब्रेकअप होता है, तो ब्रेकअप का दर्द हो सकता है आपका दोस्त जो है, अगर जिसके ब्रेकअप नहीं हुआ तो नहीं समझेगा कि क्या होता है ना, या डिप्रेशन में कोई गया हो तो समझता है कि डिप्रेशन में क्या होता है। तो कहते हैं ना कि वेन यू पुट योर फीट इंटू अदर्स फूट, जब दूसरे के जूता है उसमें ही रख देते हैं पैर, तब आपको समझ में आता है कि उसमें क्या है उसका, एक बस मुहावरा यूज किया जाता है कि एग्जैक्टली आप वही समझ पाएँ। इसलिए तो एम्पैथी समानुभूति कहते हैं हिंदी में, समानुभूति, और इसको कहते हैं सहानुभूति, सहानुभूति, हाँ ये याद रखनी है। चलिए इतना ही सब बात इसमें बताना था। तो इसमें क्या पूछा है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन को विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब डिस्क्राइब एम्पैथी इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में एम्पैथी का क्या मतलब, ये बताने के लिए कहा है। तो एबिलिटी टू असर्ट वंस वन ओन आइडियाज, नहीं, द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अनदर, ये बात है, जैसे आप अगर अभी बताएं तो समझ जाएंगे। द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अनदर, एकदम दूसरे को समझ पाए, उसके साथ साथ क्या कर पाए, शेयर द फीलिंग्स ऑफ अनदर, दूसरे के भावनाओं को आप समझ सकें, साझा कर सकें, ये बात है। बाकी तो द स्किल ऑफ स्पीकिंग क्लियरली एंड सो लाउडली, द यूज ऑफ टेक्निकल जार्गन, जार्गन कहते हैं जटिल शब्दों को, कठिन शब्दों। चलिए 16वां, व्हाट इज कॉन्टैक्ट हाइपोथेसिस, एक नया साइकोलॉजिकल वर्ड आपके सामने प्रस्तुत है। द आइडिया दैट, क्या है कॉन्टैक्ट हाइपोथेसिस, इसका परिभाषा, द आइडिया दैट प्रेजुडिस इज रिड्यूस, प्रेजुडिस मतलब पूर्वाग्रह, द आइडिया दैट प्रेजुडिस्ट इज रिड्यूस्ड वेन पीपुल वर्क टूवर्ड्स कॉमन गोल्स, यह है क्या, यह विचार कि जब लोग समान लक्ष्यों की दिशा में काम करते हैं तो पूर्वाग्रह कम हो जाता है। द बिलीव दैट इंक्रीजिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन ग्रुप्स विल रिड्यूस प्रेजुडिस, यह विश्वास के समूहों के बीच संपर्क बढ़ने से पूर्वाग्रह कम होता है। द थेरी दैट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रुप्स इंक्रीजेज प्रेजुडिस, द कॉन्सेप्ट दैट आइसोलेशन कैन लीड टू ग्रेटर सोशल हारमोनी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। यह एक तरीके का ऐसा विश्वास है कॉन्टैक्ट हाइपोथेसिस, जिसमें ये कहा जाता है कि जैसे ही आपका एक से अधिक ग्रुपों के बीच कॉन्टैक्ट बढ़ता है ना, तो आपका पूर्वाग्रह कम होता है। ये सभी सही से बात है ना, जैसे आप एक ऐसे मतलब गाँव में रहें और गांव के लोगों के बीच ही रह गए, तो आपको बहुत सारे वो होंगे, स्टीरियोटाइप्स होंगे, बहुत सारे रूढ़िवादी विचार होंगे आपके दिमाग में, है ना, बहुत सारे प्रेजुडिस होंगे गांव को लेकर, महिलाओं को लेकर, और जातियों में, धर्मों को लेकर, बहुत सारे ऐसे पूर्वाग्रह हो सकते हैं। लेकिन आप जब शहर से, घर से बाहर निकलिएगा, विभिन्न समाज के लोगों के साथ बातचीत करिएगा, सब समाज, धर्म, लिंग, जाति, या हर क्षेत्र के लोगों के साथ मिलिएगा जुलिएगा, तब क्या होगा, पूर्वाग्रह खुद ब खुद घट जाएगी। अब जैसे मुस्लिमों के प्रति बहुत, या मुस्लिमों का हिंदुओं के प्रति जो है, वो सब चीज़ें तब थोड़ी घटती हैं जब आप दुनिया घूमिएगा और देखिएगा आसपास, है ना, लोग जब कांटेक्ट होता है, आप उन सबों से मिलते जुलते हैं, है ना, तब ये बातें थोड़ी कम होती हैं। तो इसलिए ये है कॉन्टैक्ट हाइपोथेसिस, व्हेन यू इंक्रीज योर कॉन्टैक्ट विथ पीपुल योर प्रेजुडिसेस रिड्यूसेस, दिस इज द यू कैन से फिनोमेना ऑफ कॉन्टैक्ट हाइपोथेसिस फिनोमेना। अभिसारी चिंतन का अभिप्राय कन्वर्जेंट थिंकिंग का क्या मतलब है ना,
काफ़ी सारी दो तरह का जनरली हम जब चिंतन की बात करते हैं तो दो मेजर चिंतन होती है। एक होता है अभिसारी, दैट इज कन्वर्जेंट, और एक होता है अपसारी, है ना, उसको कहते हैं डाइवर्जेंट, है ना, ये लिख देते हैं डाइवर्जेंट। इसमें बेसिक फर्क क्या है ये आपको बताना है। तो अभिसारी क्या है? व्यक्ति की के काल्पनिक विचारों या इच्छाओं की अभिव्यक्ति, क्या ये है निगमनात्मक चिंतन, आगमनात्मक चिंतन, या वास्तविकता से संबंधित चिंतन? क्या होगा इसका उत्तर? अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, यस। तो इसका क्या होगा उत्तर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आगमनात्मक चिंतन। कैसे होगा? हम अभिसारी चिंतन में करते क्या हैं? अभिसारी चिंतन में हम एक समस्या के समाधान के लिए जी तोड़ के लग जाते हैं, मतलब बहुत तरीकों से एक समस्या का, मतलब बहुत तरीकों से एक समस्या का समाधान करना हो, दैट इज अभिसारी हो जाए। लेकिन हम एक समस्या का समाधान करने में पूरी कॉन्सेंट, देख रहे हैं कि पूरा आपका ध्यान ये है ना, एक समस्या तक आने के लिए आपने पूरा पूरा दिमाग लगा दिया, पूरी कह सकते हैं कि मन मस्तिष्क को पूरी तरह से एक जगह केंद्रित कर देना, दैट इज कन्वर्जेंट, है ना, कन्वर्जेंट, ये होता है कन्वर्जेंट। ठीक, डाइवर्जेंट क्या होता है? जब आप एक समस्या के लिए सैकड़ों हल देने लग जाते हैं, ठीक है, ये देखिए इसको ध्यान रखिएगा, ये ऐसे है, एक समस्या है, इसकी अनेक आप सॉल्यूशन देने लग जाते हैं, है ना। जैसे मैं पेन बोलता हूँ तो आप पेन के 10 यूज बताने लग जाए, तो ये एक डाइवर्जेंट थिंकिंग है। एक क्रिएटिव थिंकिंग में यार किसका यूज होता है ये भी पूछता है, इसको याद रखिएगा। क्रिएटिव जब कोई लोग होते हैं तो उसको हम डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंतर्गत रखते हैं। किसी विशेष समस्या के समाधान वाला जो जो लोग होते हैं वो कन्वर्जेंट थिंकिंग में आता है, आप केंद्र की ओर आते हैं। यहाँ एक समस्या के कई समाधान आप बता रहे होते हैं, है ना, और एक समस्या के समाधान के लिए आप कई उपाय करके यहाँ एक समस्या का समाधान करते हैं, है ना, एक समस्या के समाधान के लिए अब मतलब कई उपाय देते हैं, ये बस अंतर है, नहीं समझ में, समझ में आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। इसमें अंतर क्या है, आप इधर आ रहे हैं, ठीक है, केंद्र की ओर, ये अगर लिटरल मीनिंग इसका आप देखेंगे तो यही है, है ना। अभिसारी आप एक विशेष, जैसे खास करके जमान के चलिए ज्योमेति वगैरह का प्रॉब्लम होता है, उन सबों को समस्या को पूरी आप लग जाते हैं तल्लीनता से। ये क्रिएटिविटी से संबंधित है, एक समस्या के लिए आप 10 उपाय बता रहे हैं, है ना, तो उसको कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, मेरे ख्याल से आप क्लियर होना चाहिए। देखिए 18 नंबर, अब एकदम लास्ट की ओर है। अकॉर्डिंग टू फ्रायड, विच साइको सेक्सुअल स्टेज इज एसोसिएटेड विद द रिजोल्यूशन ऑफ द ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स? एक अच्छा अच्छी क्वेश्चन है, कहीं से भी कोशिश करते हैं कि फ्रॉयड बाबा को न लाए आ ही जाते हैं। तो कह रहा है कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, यह फ्रायड का जो साइकोसेक्सुअल स्टेज है उसके किस अवस्था में होता है? तो पता है आपको कि उसने साइकोसेक्सुअल की 5 स्टेजेज बताए हैं, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फेलिक स्टेज, लेटेंट स्टेज, और एक और है, दैट इज मैं लिख देता हूँ, मान के चलिए ये जेनाइटल है ना, जेनाइटल, ये जेनाइटल स्टेज है, ये 5 स्टेज की बात की है, लास्ट स्टेज भी यही है। तो इसमें पूछ रहा है कि किस स्तर में वो होता है, तो ये याद रखिएगा फेलिक स्टेज में होता है। इसका आंसर जो होगा वो होगा फेलिक स्टेज। फेलिक स्टेज में क्या होता है कि आपको इलेक्ट्रा और ओडिपस कॉम्प्लेक्स जैकी अवस्था, मतलब कि क्या कहेंगे, ये वाला कॉम्प्लेक्स होता है। क्या है ये इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ये थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। मेरे ख्याल से आप अगर साइकोलॉजी पढ़े हैं तो पढ़े ही होंगे। इलेक्ट्रा पहले देखिए, इलेक्ट्रा ये यार कॉन्सेप्ट किसने दिया है? फ्रायड बाबा ने ही दिया है, जाहिर सी बात है, अगर उसने इसने स्टेज ये दी है तो वही होगा। आप जानते हैं वो ओरल, उनका कहना है कि जब एक बच्चा अपने मुख के थ्रू सेक्सुअल सिम्टम्स को मतलब कि ओरिएंट करता है या रिप्रेजेंट करता है। एनल स्टेज,
जब अपने उसका जो मलमूत्र त्याग के केंद्र है उसके थ्रू वो सेक्सुअल एनर्जी को समझिए कि महसूस करता है, तो दैट एनल स्टेज। फैलिक स्टेज में कहता है कि लिंग के प्रति उसकी जो जेने जो वो हैं उनके प्रति वो कॉन्शियस होता है, या फिर इलेक्ट्रा और अभी ओडिपस आएगा उस कॉम्प्लेक्स के बारे में सोचता है। लेटेंसी में कहता है कि सेक्सुअल अवस्थाएँ थोड़ा सुप्त अवस्था में चले जाते हैं। जेनाइटल तो आपका पूरा एडल्ट वाला हो गया, तो जहाँ पर सीधा सीधा सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू वो सेक्सुअल एनर्जी को रियलाइज करता है, ये बात है। अब इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, तो फैलिक स्टेज में उनके अनुसार क्या है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो ओडिपस ये क्या है इसको जानना जरूरी है, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा बस, उसके बाद आखिरी क्वेश्चन आएगा। तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो फ्रायड ने बताया उसके अनुसार ये कहा कि एक जो फीमेल चाइल्ड होती है ना, खास करके ये जो उम्र देखेंगे तो ये लगभग बताया है लेटेंसी जेनाइटल, तो आप समझ लीजिए कि 9-10 साल की बच्ची होंगी, मैं उम्र में इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप बस जान लीजिए। एक लड़की जो है जब एक मतलब सीधे सीधा जो बोला है वही मैं बताता हूँ, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में उन्होंने ये कहा कि जो फीमेल चाइल्ड है उसका अपने पिता के प्रति आकर्षण है ना, ये फीमेल चाइल्ड्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स हिज फादर, हिज नहीं हर फादर है ना, तो इसको हम कहेंगे क्या, आप ये चीज रियलाइज कर सकते हैं, इसको भी मैं लिख देता हूं, ये मेल चाइल्ड्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स हिज मदर है ना, ये बात उन्होंने कहा। अब इसको थोड़ा उतना आप मत समझ लीजिएगा कि एकदम सेक्सुअल के संदर्भ में बोला, ऐसी बात नहीं, उन्होंने क्या कहा कि हम ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि एक जो लड़की होती है, एक जो फीमेल चाइल्ड होती है उसका आकर्षण अपने पिता के प्रति होता है, वो ज़्यादा प्रेम करता है उससे, आप देखिएगा कि थोड़ा ज़्यादा लगाव रहता है जनरली है ना। और एक जो पुरुष है, एक मेल चाइल्ड है, पुरुष कहना ठीक नहीं होगा, बच्चा जो है मेल चाइल्ड है उसका आकर्षण अपनी मम्मी के प्रति ज़्यादा होता है, ये हम देखने को हमें मिलता है। उसको भी एक सेक्सुअल ओरिएंटेशन के रूप में फ्रायड उसको मतलब कि एक्सप्लेन करते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, एक बच्ची का अपने पिता के प्रति आकर्षण, उसको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहा गया, और एक बच्चे का, लड़के का अपनी मम्मी के प्रति आकर्षण, माँ के प्रति आकर्षण को उन्होंने ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहा है। ठीक है, ये थोड़ा हिस्टोरिकल है, चूँकि इस इतिहास में एक राजा हुआ है ना, तो उसके उस राजा का नाम ख्याल से ओडिपस था, तो उसने क्या हुआ कि उस राजा की जो पत्नी थी तो बहुत खूबसूरत थी, तो क्या करता है कि जो उसका राजकुमार होता है वो अपने बाप को ही मार के अपनी मम्मी से शादी करता है, उससे रिलेटेड है, थोड़ा डीप है, उसको मत समझिए। चलिए ये बात हो गई, मेरे ख्याल से आखिरी नहीं, एक दो क्वेश्चन और होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डिप्रिवेशन, एक आसान सा सवाल है, इसमें कौन सा दीर्घकालिक आर्थिक अभाव का मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, क्या होता है, इंक्रीज कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, एनहेंस्ड इमोशनल रेजिलेंस, हायर रेट्स ऑफ डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, इम्प्रूव्ड सोशल रिलेशनशिप। तो इसमें क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डिप्रिवेशन, जब आप एक लंबे समय तक भिखारी में जिएंगे, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डिप्रिवेशन, मतलब भिखारी कहना थोड़ा अजीब लग रहा है, मतलब इकोनॉमिक डिप्रिवेशन में जब किसी व्यक्ति बहुत दिनों तक रहता है तो उसको किस तरीके के आप उसमें साइकोलॉजिकल इफेक्ट देख सकते हैं, तो उसको क्या होगा भाई, जब आदमी को इकोनॉमिकल डिप्रिवेशन होगा तो हायर रेट्स ऑफ डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी जैसी समस्याएं आप देखने को मिलेंगे, खास करके अगर आप प्रेजेंट एरा की बात करें, वर्तमान युग की बात करें, तो ये लाजमी है, हम आप सब जानते हैं।
तो ये क्या देगा, डिप्रेशन देगा, एंग्जाइटी देगा। अगर आप लंबे समय तक इकोनॉमिकल डिप्रिवेशन से रहेंगे, डिप्रिवेशन में रहेंगे तो, है ना, ये बात है। इसमें नहीं था ज़्यादा कुछ बताने लायक। 20 देखिए, व्हाट रोल डज इमोशनल इंटेलिजेंस प्ले इन एंटरप्रेन्योरशिप। इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में दो चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, बार बार मैं बता रहा हूँ। देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ शेयर आपके साथ करता हूँ। दरअसल एक बात ठीक है कि जो पहले मैंने टेस्ट बनाए हैं, खास करके यूनिट टेस्ट वगैरह, वो थोड़ा नेट लेवल के बन गए थे और उसमें देखिएगा ऑप्शन वगैरह बड़ा लेंदी लग रहे होंगे। आप कॉन्सेप्ट बस समझिएगा, बेसिक्स याद रखेंगे, उतना टफ क्वेश्चन मेरे ख्याल से नहीं पूछा जाना चाहिए, है ना। बाकी बाद के टेस्ट एकदम मैंने टू द पॉइंट जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश की गई है। तो उन क्वेश्चंस को रखेंगे जेनेरिक क्वेश्चन, जैसे इंटेलिजेंस वगैरह का जो क्वेश्चंस है वो बहुत जेनेरिक है, और इंटेलिजेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका पूरा साइकोलॉजी में, कि कहीं भी जाइए तो वो आ जाता है, है ना, है ना। बाकी ये जो फ्रायड हैं, अल्फोर्ट हैं, क्रैशमर है, इन सबों को आप ज़रूर जानिए। पर्सनालिटी का थ्योरी जो है उसमें क्रैशमर आएगा, अल्फोर्ट आएगा, ये सब जानना ज़रूरी है। रॉजर्स वगैरह इन सबों का जिक्र आता ही है। तो आप बेसिक्स जो चीज़ें हैं उन सबों को ज़रूर जानिएगा, है ना। और वो क्वेश्चंस मैंने काफ़ी दे रखे हैं और अभी लगभग मैंने दे दिए हैं, अपलोड हो रहा होगा तो आप लोग चिंता मत कीजिएगा, मिल जाएगा, है ना। सब क्वेश्चंस मैंने लगभग यूनिट का एक दो छोड़ दो, मेरे ख्याल से एक दो ही सुनते होंगे, ग्रुप्स वाला कुछ स्मॉल ग्रुप्स वगैरह था उसको नहीं दिया हूँ, और एक और कुछ है, अदरवाइज मैंने भेज दिया सब, ठीक है। चलिए ये देख लेते हैं कि व्हाट रोल डज इमोशनल इंटेलिजेंस प्ले इन एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप में इमोशनल इंटेलिजेंस क्या रोल प्ले करता है, ये इंडस्ट्री वगैरह वाला से क्वेश्चन है ना, इंडस्ट्री एंड साइकोलॉजी से रिलेटेड आपका यूनिट है। तो इट इज इरिलेवेंट टू एंटरप्रेन्योरशिप, क्या इमोशनल इंटेलिजेंस का एंटरप्रेन्योर में कोई यूज नहीं। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग वंस ओन इमोशंस एंड दोज ऑफ अदर्स, फोस्टिंग बेटर रिलेशनशिप्स एंड डिसीजन मेकिंग। क्या ये होगा, इट्स ओनली फोकस ऑन फिनेंशियल मैनेजमेंट, इट ओनली अफेक्ट पर्सनल लाइफ। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़े होंगे तो देर इज नो डाउट इन टेकिंग द आंसर ऑफ और ऑप्शन नंबर बी। तो ये इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग वंस ओन इमोशंस एंड दोज ऑफ अदर्स। क्या है, जब आप अपने इमोशन को समझेंगे, दूसरे इमोशन को समझेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या, खुद को समझिए, दूसरों को समझिए। जैसे गार्डनर का इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, दोनों का मिक्सचर है ना, तो उसको समझना तब तो होगा। खुद को समझिए, कंपनी के में जो लोग काम कर रहे हैं उसको समझिए। इससे रिलेटेड एक थ्योरी आप जब पढ़ेंगे तो आएगा, एल्टन मेयो ने इससे रिलेटेड एक थ्योरी दी थी, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, ये इससे रिलेटेड है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट से रिलेटेड है वो, है ना, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए आपका 21 नंबर क्वेश्चन और एक होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन क्रिटिसिज्म ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। देखिए आप टेस्ट जैसे मैंने कहा कई तरह के होते हैं, तो एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है, एक टीचर मेज टेस्ट होता है, कि टीचर अपने क्लास में बच्चों को उनके पढ़ाए गए विषयों की बारे में जानकारी लेने के लिए, क्या पढ़ा क्या सीखा इसको जानने के लिए उन्होंने अगर कोई टेस्ट लिया तो उसको हम कहते हैं मतलब टीचर मेड टेस्ट। और एक टेस्ट होते हैं जो स्टैंडर्डाइज होता है, जैसे इंटेलिजेंस के टेस्ट हो गए, है ना, और पर्सनालिटी के टेस्ट हो गए, कई ऐसे टेस्ट हैं जिसको हर जगह अप्लाई किया जाता है ना, तो उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है, मतलब उसका एस्टेब्लिश किया जाता है कि हाँ भाई ये टेस्ट है। अगर 10वीं क्लास के बच्चों का हम अगर मैथ विषय का वो करना चाहते हैं तो ये टेस्ट इसको अप्लाई किया जा सकता है। उन बच्चों का इमोशनल वो को हम चेक करना चाहें तो इमोशनल लेवल पर कुछ टेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो कई ऐसे टेस्ट होते हैं जो स्टैंडर्डाइज होते हैं, उसके लिए रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दो इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं, उसको वो करना पड़ता है। रिलायबिलिटी क्या है, रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी, कि अगर 10वीं क्लास के बच्चे हैं उनका आप अगर मैथ का चेक कर रहे हैं, मैथ विषय की जानकारी चेक कर रहे हैं, तो हर राज्य में हर जगह पर 10वीं कक्षा के बच्चों का वो टेस्ट वैसे ही मेजर करेगा जो झारखंड के बच्चे, बिहार के बच्चे या बाकी स्टेट्स के, तो वो कंसिस्टेंसी। वैलिडिटी के रिलायबिलिटी उसको कहते हैं। वैलिडिटी क्या है, कि आप अगर जो टेस्ट बनाए हैं जिस काम के लिए बनाए हैं, जैसे आपने बनाया इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस ही मापे ना, कि अब मान के इंटेलिजेंस के बनाए और वो माप रहा है क्या, मापने लग गया आपका संवेग को, इमोशन को, है ना, तो फिर वो टेस्ट नहीं हो गया। तो
पर्पस, जिस पर्पस से जो टेस्ट बनाया जाता है उसी को फुलफिल करे तो उसको वैलिडिटी कहते हैं, और वो टेस्ट अगर हर जगह एक जैसा रिजल्ट दे तो उसको रिलायबिलिटी कहते हैं। इतना बस ध्यान रखिए। तो इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन क्रिटिसिज्म ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, तो उसका क्या है एक क्रिटिसिज्म पूछा है। दे आर टू फ्लेक्सिबल, तो ऐसा है क्या, देखना पड़ेगा। दे लैक ऑब्जेक्टिविटी, ऐसा है क्या। दे मे नॉट काउंट फॉर कल्चरल एंड लैंग्वेज डिफरेंसेस। दे आर इनएक्सपेंसिव एंड एडमिनिस्टर, तो ये हो गया टू एडमिनिस्टर। नहीं, इसका जो आंसर है ये है, जब हम किसी टेस्ट को स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, जैसे इंटेलिजेंट टेस्ट बिने ने बनाया, कहाँ से बनाया वो, फिलहाल कहाँ गए थे बिने, बिने फ्रांस या जर्मनी, फ्रांस ऐसे कुछ मुझे याद आ रहा है, फ्रांस के ही होंगे। तो उन्होंने बनाया मान के चलिए किसी विदेश में, अब वहाँ के बच्चे और यहाँ के बच्चे कल्चरल चीज़ों को तो ध्यान नहीं रखा जाता। अब भारतीय में ले लीजिए ना, एक प्राइवेट स्कूल का बच्चा है, गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा में क्या अंतर होता है, जिस तरीके उसको रिसोर्सेज, जिस तरह कल्चर मिलता नहीं मिलता, तो डिफरेंसेस आ जाता है। एक टेस्ट जिसको आप 10वीं क्लास के सरकारी स्कूल में आप वो अप्लाई करिए और एक गवर्नमेंट स्कूल में अप्लाई करिए, बहुत अंतर आ जाता है। तो कल्चर को ये इग्नोर कर देता है, ये बात है, उसका एटमोसफेयर को नहीं समझता कि किस संदर्भ में कब वो बनाया गया है। तो इस वजह से ये वाला इसके क्या है आलोचना है, क्रिटिसिज्म। 22 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है क्या, देखना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ये मेरे लिए है आखिरी वाला सवाल। चलिए आखिरी सवाल खत्म करेंगे, लंबा तो नहीं। इन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग व्हाट डज द टर्म रिलायबिलिटी रिफर टू, मनोवैज्ञानिक परीक्षण में विश्वसनीयता शब्द से आप क्या समझते हैं। मेरे ख्याल सभी बता दिया। द टेस्ट एबिलिटी टू मेजर व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर, ये होगा आपका वैलिडिटी। इट क्लेम्स टू मेजर, जिस चीज़ के लिए बनाया गया वही मार्क है, तो इसको हम वैलिडिटी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो रिसर्च और मेथड वाला है उसमें भी काम आएगा, और ये आपका टेस्ट वाला भी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाला में भी आएगा। द कंसिस्टेंसी इज रिलेटेड विथ रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी मतलब जो रिजल्ट वो दे रहा है वही रिजल्ट हर जगह देगा, तो उसको रिलायबिलिटी कहेंगे। तो कंसिस्टेंसी इज रिलेटेड विथ क्या भाई, कभी कभी ये होगा रिलायबिलिटी, है ना, कंसिस्टेंसी से रिलेटेड है ये। एक्यूरेसी भी एक शब्द आएगा इसके साथ, है ना, तो ये भी ध्यान रखिएगा। एक्यूरेसी ये हो गया आपका रिलायबिलिटी, है ना, बस इसमें और कुछ है नहीं। तो मेरे ख्याल से ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल, बाकी अरे भाई ये है आपके लिए एक सवाल। Which of the following test is designed to measure a person's intellectual abilities? निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किसी व्यक्ति की बौद्धिक क्षमताओं को मापने के लिए डिजाइन किया गया, ये क्वेश्चन आपके लिए भाई। अगर इतना मैंने मेहनत किया तो कम से कम मैं इतना उम्मीद करता हूँ कि जो बच्चे कोर्स में हैं इस क्वेश्चन को करें और कमेंट बॉक्स में आंसर दें, है ना। आपके लिए कर रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन के थ्रू जो कॉन्सेप्ट, चूँकि मैं मॉक टेस्ट बस दिया हूँ, आपकी क्लासेस थियोरेटिकली नहीं पढ़ाया हूँ, बड़ी इच्छा थी कि मैं पढ़ाता इसको, लेकिन अपनी मजबूरियाँ हैं, क्या कहूँ, मुझे भी थोड़ा यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। तो खैर ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे पढ़ रहे हैं और ऐसे पढ़िए, तैयारी पुख्ता कीजिए और मतलब नौकरी लीजिए, ये हमारे लिए भी प्राउड की बात हो गया ना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये जरूर इसको हॉल करके आप अपना आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, है ना। बाकी साइकोलॉजी का टेस्ट अगर अब लगभग वो पूरा हो गया है, तो जो लोग चाहें उसको लेना तो ले सकते हैं, है ना। साइकोलॉजी के वाला टेस्ट वगैरह लगाया नहीं जा, खैर छोड़िए, ठीक है, चलो आज की कक्षा को यहीं समाप्त करना पड़ेगा, है ना। चलिए आप जरूर कमेंट कर दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया, आपकी राय, आपके सुझाव जरूर दीजिए इस वीडियो से संबंधित, और कोई ऐसा और टॉपिक, कोई ऐसी और भी चीज़ों जिससे संबंधित आप चाहते हैं कि हम थोड़ी बात करें, समझें, तो आप उसके बारे में भी यहाँ लिख सकते हैं। चलिए आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं, चलिए नमस्कार।